नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निकेश। आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट कैसे निकाले ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। आज के वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना, आप किस तरह से निकालेंगे, इस सब के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो को हम पढ़ते क्या है कि शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को भी लाइक करें। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको स्टेटमेंट आपको निकालने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में आपको क्रोम ब्राउज एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन कीजिएगा तो इसमें आपको सर्च करना है पेमेंट बाय अकाउंट नंबर PFMS। जैसे आप इसमें इतना आप इसमें सर्च कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों देखिएगा हमारे सामने में काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आएगा। पहला ऑप्शन में यहाँ पर आएगा कि दोस्तों पेमेंट बाय अकाउंट नंबर, दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर नाउ बाय पेमेंट का। तो यहाँ पर हमको करना है क्या है कि हमको इस तरह से हमको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर नीचे में हमारे सामने में PFMS का इस तरह का वेबसाइट आएगा। यहाँ पर हमको इस वाले वेबसाइट पर हमको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों देखिएगा यहाँ पर हमारे सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आने के बाद यहाँ पर हमको करना क्या है कि हमको इस तरह से हमको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा एक ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने में नीचे में दिखा देगा, यहाँ पर नाउ वेयर पेमेंट। उसी के नीचे में एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपके सामने में रीड मोर। तो यहाँ पर आपको रीड मोर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, देखिएगा हमारे सामने में इस तरह कुछ इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे सबसे पहले हमको अपना बैंक का कुछ डिटेल यहाँ पर हमसे मांगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमको करना क्या कि यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है बैंक का नाम। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक का नाम आपको इसमें सेलेक्ट करना है। आपको अपना बैंक का नाम किस प्रकार से सेलेक्ट करना है, जैसा कि हमारा बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें हम लिखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आप इसमें अपना बैंक का नाम लिखेगा तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि देखेगा यहाँ पर आपके सामने में इस तरह का यहाँ पर एक लाइन इस तरह से शो करेगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको ये वाला स्पेस दिखा देगा, इसको आपको करना क्या है कि आपको इस तरह से इसको आपको हटा देना है। हटाइएगा तो देखिएगा यहाँ पर आपका बैंक का नाम चलाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक का नाम को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कीजिएगा, देखिएगा नीचे में पूछ रहा है यहाँ पर इंटर अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर आपको इसमें एंटर करना है। एंटर कीजिएगा तो अकाउंट नंबर आपको इसमें टकने बाद देखिएगा नीचे में कब से मिलेगा इंटर कंफर्म अकाउंट नंबर। जो भी आप अकाउंट नंबर आप इसमें एंटर किए होंगे वही अकाउंट नंबर आपको इसमें आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद अकाउंट नंबर आपको इसमें टकने बाद देखिएगा ये वाला कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, या कैप्चर को आपको इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे में कब से मिलेगा से OTP और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपके बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा दोस्तों उस पर OTP जाएगा। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि हमको इस तरह से हमको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर इंटर OTP, OTP का हमको इसमें एंटर करना है। एंटर कीजिएगा, नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई OTP, तो इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो इस पर हमको क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने में इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमको इस तरह से हमको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे में देखेगा एक ऑप्शन डाउनलोड का मिलेगा, इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेगा हमारा स्टेटमेंट है बैंक का। यहाँ पर दोस्तों फाइनली डाउनलोड होकर आ गया है।